सभी का। सर्वप्रथम तो पूरे देश से यहाँ पहुंचे भीम आर्मी भारत एकता मिशन, आजाद समाज पार्टी काशीराम और जो अन्य बहुजन संगठन है उनके जो साथी यहाँ पहुंचे हैं, मैं भीम आर्मी के सातवें स्थापना दिवस पर आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, आपके लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। हमारे पहले राष्ट्रीय डिवीजन के अवसर बिजनेस कॉमर्स की आज दिल्ली में हम लोग उपस्थित है, दिया होता तो शायद आज हम लोग यहाँ नहीं खड़े होते। मैं आज पुणे बाबा साहब अम्बेडकर को भी धन्यवाद देता हूँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है, मगर मैंने नोटिस किया, ये नसीहत आप सब लोगों को कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनसे पहले बस्ता बोल रहे थे तो कुछ साथी आपस में बातचीत कर रहे थे, साफ नहीं आ रहा। किसी भी संगठन की रीढ़ अनुशासन होता है और इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं कि आप लोग अभी अनुशासित नहीं हो पाए हैं, इसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूं। अभी तो हमारे लोग बैठना भी नहीं सीखे हैं। जिन लोगों को बड़ी जिम्मेदारी से इस आंदोलन में हम लोगों ने तैयार किया, आज जब मैंने उनको भी यहां वही चहलकदमी और तमाम तरह की चीजें करते देखा तो मुझे एहसास हुआ कि अभी हम लापरवाह समाज हैं, गुलाम समाज। तो गुलाम ना प्रहार प्रधान बनाते ना प्रधानमंत्री, मुझे धोखे में मत रखो यार। यहाँ के जो आप कह रहे थे ना कि हम प्रधानमंत्री, मुझे ऐसा लगा दो तीन बार मैंने माननीय अध्यक्ष जी से कहा कि देखना बंद तो नहीं गया हूं, कहीं मुझे ही ना पता लग रहा। ऐसे प्रधान नहीं बनता है, प्रधानमंत्री बहुत दूर की बात। धन्यवाद। बहुजन समाज में समय समय पे जलवे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, नारायणा गुरु, संत तुकाराम, पैरियर रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महात्मा रामस्वरूप वर्मा, माँ छलकारी बाई, माँ मत्तिका बाई लोधी, माँ अहिल्या बाई होलकर, माँ फातिमा शेख, माँ रमा बाई, माँ सावित्री बाई फुले, आप सबको भी नमन करता। माँ उदादेव पारसी, इस देश के जो वीर शहीद है उनको भी नमन करता हूँ। नमन करता हूँ माननीय दीना भाना वाल्मीकि साहब को, कोतवाल दक्षिण गुजर को, सर छोटू राम को, परम पूजनीय विश्वतन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को और मेरे गुरु मेरे आदर्श माननीय शास्त्री काशीराम। कोई गुरु किसी को ऐसे नहीं मानता। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले 1890 में चले गए और 91 में पैदा हुए बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने उनको देखा भी नहीं लेकिन गुरु माना। जहां उसका एक कारण मात्र एक था कि वो अपने लिए नहीं जी, हम लोग जो का सिखाने का काम करते थे सबसे पहले लाइन सिखाते हैं कि आदमी गुरु ऐसा प्रमोश व्यक्ति समाज और देश पे कलंक होता है। जब हम उनके आज जब हम लोग काम करते हैं तो हम एक दूसरे के लिए नहीं, जो कर्ज हमारे ऊपर है उसके लिए काम करते हैं। आज अगर ये अवसर मिला है, ये सम्मान का जीवन मिला है, ये जैकेट, ये जूते चप्पल, ये मंच और ये माइक मिला है। काशीराम साहब कहते थे कि भारतीय संविधान हमारे महापुरुषों के संघर्ष का निचोड़। मैं गौरवान्वित हूं कि मैं भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन मुझे उससे ज्यादा खुशी है कि मैं भीम आर्मी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं, क्योंकि अगर मैं ही अनुशासित नहीं हूंगा तो दूसरे कैसे कहूंगा। समय समय पर मैंने बहुत सारी गलतियों से सीखा है और
पिछले आंदोलन से भी सीखा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो दिन नहीं आएगा जिस दिन मेरी वजह से आपका सम्मान कम हो या आपके ऊपर कोई उंगली उठाए कि आपका नेता कमजोर है। आज सातवें स्थापना दिवस पे राष्ट्रीय अधिवेशन में मेरा आपसे वादा है, बहुत सारी बातें करने से पहले यहाँ की जो आयोजक कमेटी, क्योंकि ये अगर ये कमेटी काम ना करती तो हमें कौन मंच दे रहा था, हमसे तो बने बनाए मंच छीन लिए गए। तो आयोजक कमेटी के जो चेयरमैन हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मवीर बरवाल जी, हिमांशु वाल्मीकि जी, डॉक्टर प्रतिपाल जी, अनिल चेयरमैन जी, महक सिंह जी, राम प्रधान जी, वीरेंद्र श्री जी, महेश परवाल जी, दीपक राणा जी, रविंद्र गुर्जर जी, हरपाल जी, हरपाल वाल्मीकि जी, घनश्याम नागर जी, सतपाल चौधरी जी, अरिंद धनवाल जी, महेश कासना जी, नरेंद्र जैन जी, नरेंद्र भिकुराम जैन जी, सेंसर पाल जी, अब्दुल भाई कपिल आजाद साहब, चावला जी, निर्मल और ऐसे साथी जो छुट गए हों, मेरी नजरों से तो नहीं छुटे हों, मैं तो देख ही ले रहा हूँ, सुमित, मैं सब लोगों को जान मीना बहन मीनाक्षी, ऐसे सब लोग जिन्होंने काम किया, अपनी जिम्मेदारी को समझा, गिल साहब मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ साथ जो